हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आया हूँ कोपार्ट ऑक्शन में, जहाँ पे क्रैश कार है। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप लोग घर बैठे भी ये कार्स खरीद सकते हो, कैसे खरीद सकते हो। और यार आज तो यहाँ पे इतनी सारी कार्स हैं, टेस्ला अन्यवा पड़ी हुई है भाई, इतनी सारी डैमेज टेस्ला, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टेस्ला तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे टेस्लास यहाँ पे डैमेज होकर पड़ी हुई हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियोस के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। और यार इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट भी कर दो, इतनी कड़ी धूप है ना कि ना पूछो। और इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लाइक और कॉमेंट तो बनता है। तो स्टार्ट करते हैं, कार्स वगैरह ऊपर नीचे कर रहे हैं और कुछ वॉश हो रही है। यहाँ पर इंस्पेक्शन होती है कार्स की, फिर ये पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ डालते हैं उसके अंदर। खैर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर शोर पीछे से हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। टेस्ला मॉडल एक्स है, टेस्ला काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई है, उस साइड पे भी खड़ी हुई हैं, इधर भी हैं टेस्ला। तो ये टेस्ला मॉडल एक्स है, उसके बाद ये मर्सिडीज़ है, उसके बाद वो ऑडी है, मर्जराटी है और मर्सिडीज़ है, और ये पोर्श खड़ी हुई है। ये चेक करो पोर्श की कंडीशन, चेक करो यार, बड़ी बैडली डैमेज है। खैर मैं आपको अंदर से जाके दिखाता हूँ कार की कंडीशन क्या है टेस्ला की। खैर ये टेस्ला जो है वो इस साइड से डैमेज है और काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज है। इसके अंदर इंजन वगैरह तो होता नहीं है, तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा जो है ना टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि इंजन इसका कैसा है, क्योंकि इसके नीचे एक बैटरी होती है और इसके अंदर जो है एयर बैग्स वगैरह पॉप है, सिर्फ ये वाला फ्रंट ड्राइवर का। वाह कमाल भाई। और ये देखो सीट यहाँ से जो है ये डैमेज है, यहाँ से इसका एयर बैग पॉप्ड है। और इसके बैक साइड से देख लेते हैं क्या मामला चल रहे हैं। टेस्ला मॉडल एक्स और 100D। अच्छा खैर ये इसका स्पॉयलर भी ऊपर हुआ है, मोस्टली कार्स का ये स्पॉयलर तब ऊपर जाता है जब ये कार स्पीड में हो, तब ऊपर जाता है और तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। साथ ही इसकी मर्सिडीज़ खड़ी हुई है, लेकिन ये जो ऑडी है, अच्छा मोस्टली मेरे से पूछ रहे थे ना कि ऑडी है बीएमडब्ल्यू, तो ये इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये बीएमडब्ल्यू खड़ी है, ये ऑडी खड़ी हुई है, मजराटी है, मर्सिडीज़ है, हर टाइप की गाड़ी यहाँ पे मिलती है। तो A8L ऑडी है, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांड न्यू कार्स भी होती हैं जो हल्की सी डैमेज हो वो वहाँ पर आ जाती हैं, लेकिन इसका अच्छा खासा डैमेज मुझे लग रहा है आगे से। हाँ ये ओ हो यार कितनी लग्जरी गाड़ी है, ये कमाल है, नेक्स्ट लेवल लग्जरी है, लेकिन बेकार भी पड़ी है, क्या कर सकते हैं। लेट्स गो आगे से देखते हैं कि क्या मामला चल रहे हैं इसके। तो आगे से ये अच्छा खासा डैमेज है भाई इसका, लाइट वाइट आगे से कोई नहीं बता सकता कि कौन सी गाड़ी है। साथ इसके मजराटी है, मजराटी की जो लाइट है इससे पता चलता है कि हाँ यार ये मजराटी वगैरह है कोई, तो इसलिए मर्सिडीज़। ये पोर्च देख लो पीछे से, पीछे चलते हैं थोड़ा सा, इसको मैं दिखाता हूँ और फिर आगे चल के और डिफरेंट कार्स देखते हैं कि कौन कौन सी कार्स हैं, क्या मामला चल रहे हैं। ये देखो ये मजराटी हो गई, ये जो है बीएमडब्ल्यू है। अब बीएमडब्ल्यू का सीन ये है कि ये फ्रंट से तो डैमेज नहीं है और ये गाड़ी है कंडीशन वाइज न्यू लग रही है मुझे देखने में, लेकिन डस्ट जो इसके ऊपर पड़ी हुई है डेफिनेटली मिट्टी है, लेकिन कंडीशन वैसे इसकी मेरे ख्याल से न्यू ही है। तो यहाँ से आओ तो इसका डोर जो है ये बैडली डैमेज है, इसका शीशा टूटा हुआ है, ऐसा डैमेज है। अच्छा अब आप लोगों ने अगर ये देखनी हो गाड़ियाँ, ये देखो इंटीरियर इसका, आप लोगों ने देखनी हो तो कैसे देखोगे, इसके ऊपर बेसिकली एक लॉट नंबर लगा होता है, ये जिस तरह ये गाड़ी का लॉट नंबर है, ठीक है। ये लोग आप लोग वेबसाइट पर डाल के इसका चेक कर सकते हो कि गाड़ी अभी है नहीं है, या इसकी ना डिटेल कम्प्लीट होती है, जिस तरह ये शेवरले की गाड़ी है तो ये कम्प्लीट इसकी डिटेल होगी कि ये गाड़ी इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, वो कंप्लीट डिटेल देते हैं। इसलिए हर गाड़ी के ऊपर जो है नंबर होता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो मैं नंबर दिखाऊं। और ये 750 LI है, इसके बैक साइड से जैसे देख लेते हैं, ये चेक करो। और ये काफ़ी लग्जरी है यार गाड़ी, कमाल है, लॉन्ग बहुत ज़्यादा है यार, ये देख रहे हो, लेकिन डस्ट से कवर है क्योंकि उसका वो शीशा टूटा हुआ है। और ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई लग रही है, क्योंकि कुछ कार्स के इंश्योरेंस के पेपर का मसला होता है, इसलिए जो है वो गाड़ियाँ, ये देखो ना ये फ्रंट पेपर इसका डैमेज हुआ पड़ा है। तो ये है इसका लॉट का नंबर, तो ये लोग आप लोग इसकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। होंडा ये पोर्च है एक ब्लैक कलर की। अच्छा ये पोर्च है कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, इसका सिर्फ बम्पर आगे से टूटा हुआ है, इसलिए जो है इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, बम्पर इसका आगे से जैसे निकला हुआ है। और बैक साइड से देखते हैं इंटीरियर, देखें इसका कोई एयर बैग वगैरह का क्या सीन चल रहा है। यार इंटीरियर तो बिल्कुल मतलब फिट है, हल्का सा सिर्फ इसके अंदर वो है, देखो ना इसके पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी पड़ी हैं, मतलब ये अभी गाड़ी जो है ड्राइव करके किसी ने एक्सीडेंट की है और उसके बाद जो है लिटिल बिट एक्सीडेंट है, कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसका मिड में एक एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अच्छा आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑक्शन में, इनकी एक मेंबरशिप है, वो ख़रीदने के बाद इनकी जो वेबसाइट है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, किसी पर्सन का भी डाल दूँगा जिससे आप कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। खैर जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मैं आपको सारी दे देता हूँ कम्प्लीटली, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे, मतलब आप लोग अगर ओमान सऊदी वगैरह है तो तब तो आप लोग इजीली वहाँ पे गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हो, वहाँ पे मतलब इंपोर्ट कर सकते हो, मसला नहीं है, आपको पोर्ट तक ये डिलीवरी दे देंगे, आगे आपका काम है लेना, ठीक है। अगर आप लोग इंडिया पाकिस्तान से हो तब भी पोर्ट तक डिलीवरी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को वहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव कार है, वो अपने हिसाब से आप लोग देख लेना, कोई स्पेयर पार्ट के लिए आपको चाहिए हो या कस्टम से क्लियर होती हो तब आप लोग मंगवा सकते हो, वहाँ पर पोर्ट तक ये डिलीवरी दे देंगे। खैर जी इनकी ऑक्शन की टाइमिंग है वो है ओमान में
संडे को 5 बजे और जो यूएई है दुबई में यानी कि उधर के लोकल टाइम पे 5 बजे और जो दुबई में दुबई के लोकल टाइम 5 बजे होती है। मंडे को ऑक्शन सेल्वेज कार्स की जो कि एक्सीडेंटल कार हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पे यूज्ड गाड़ियाँ भी हैं जिस तरह मैंने लेक्सस दिखाई हैं आपको स्लाइटली यूज्ड होंगी और या न्यू होंगी उनकी ऑक्शन जो होती है वो उसे ट्यूसडे वाले दिन होती है और वो शाम के 5 बजे यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से होती है। तो ये सीन है इनकी डेट्स हैं और आगे चलते हैं आगे जाके मैं आपको और कार्स दिखाता हूँ क्या मामला चल रहे हैं कार्स के और डिस्क्रिप्शन में आपको और भी काफ़ी सारी मालूम मिल जाएगी। तो लेट्स गो और देखते हैं क्या मामला चल रहा है। और तो यहाँ पे ये रेंज रोवर खड़ी हुई है वाइट कलर की और रेंज रोवर्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन ये न्यू आई हुई लग रही है क्योंकि इसके जो है ना कंडीशन लग नहीं रहा कि डस्ट वगैरह इसके ऊपर इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं हुई और ये फ्रंट से काफ़ी बैडली डैमेज है। अच्छा यार रेंज रोवर्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है अपना खुद का भी और वैसे भी मैंने देखा कि इसके इंजन बहुत जल्दी उड़ता है, इंजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है रेंज रोवर का, ये पता नहीं क्या बीमारी है। इसलिए आपको बहुत सारी अबैंडन्ड रेंज रोवर्स भी मिलती होंगी मेरी वीडियोस में। खैर जिसने भी सेफ्टी के लिए ऊपर कवर चढ़ाए हुए थे लेकिन क्या फ़ायदा थी सेफ्टी का जब गाड़ी ही ठुक गई, बैटरी लो, स्टार्ट इंजन करने के लिए वो कह रहे हैं बैटरी लो है भाई, हम वैसे भी स्टार्ट नहीं कर रहे इसका इंजन क्योंकि वैसे ही डैमेज है भाई, हम क्यों करें स्टार्ट इसको। और इधर नेक्स्ट यहाँ पे एक ये मस्टैंग खड़ी हुई है और मस्टैंग भी बैडली डैमेज है एक साइड से, कौन सी साइड से अभी मैं देख लेता हूँ, इस साइड से ये दरवाज़ा लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा भी डैमेज नहीं है वैसे, ये रिपेयरेबल है वैसे तो रिपेयर हो सकती है। और देख लेते हैं यहाँ से ये इसका डोर अंदर गया हुआ है, ये सारा जो है रिपेयर हो सकता है बाहर आ सकता है। इंटीरियर इसका काफ़ी अच्छा है यार, आप लोग बिज़नेस कर सकते हो डिफरेंट कंट्रीज़ में सेंड करके इन कार्स को, लाजमी नहीं है आप लोग इंडिया या पाकिस्तान में ही भेजो या फिर स्पेयर पार्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कर सकते हो। तो बिज़नेस माइंड अगर है तब ये ऑक्शन में आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हो कार्स को। बाय द वे ये लैंड क्रूजर खड़ी हुई है बहुत बैडली डैमेज है, इसको भी किसी ऊंची गाड़ी ने या ट्रक वगैरह ने टक्कर मारी होगी क्योंकि इतनी हाइट पे डेफिनेटली ये तो नहीं भाई जिसने ठोकी है, कोई पता नहीं इसी ने ठोकी हो आगे। तो ये आगे और कार्स जा रही हैं आ रही हैं, ये लैंड क्रूजर साथ BMW साथ फिर टेस्ला फिर बल्कि फ्रंट से आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट इसका इंटीरियर के क्या मामला चल रहा है क्योंकि बैक से एक्सीडेंट हुआ तो फ्रंट से तो एयरबैग नहीं होंगे इसके पॉप्ड, पीछे से भी एयरबैग पता नहीं पॉप्ड हैं कि नहीं। तो लेट्स गो इनसाइड सॉरी फ्रंट से देखते हैं कि क्या मामला आता है इसके, यानी कि फ्रंट से भी हल्की सी डैमेज है, किसी ने पीछे से हिट किया तो फ्रंट पे भी लगी है ये गाड़ी, साथ इसके BMW जो कि फ्रंट से बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, टेस्ला फिर BMW ये देखने वाली कार्स हैं। तो ये जो टेस्ला है कोई बहुत ज़्यादा डैमेज लग नहीं रही है और इसमें इंजन वगैरह होता नहीं है तो इंजन का इतना मसला है नहीं, इसमें बैटरी होती है, बैटरी काफ़ी कॉस्टली होती है भाई, इसके ना नीचे होती है ऐसे फुल अंडरनीथ जो है ना पूरी बैटरी होती है इसके, ओए हो तो बहुत ही बुरे तरीके से एक्सीडेंट है यार, किसी ने ज़ोर से मारी है यहाँ पे। खैर स्टिल रिपेयर करने वाले इसको भी रिपेयर कर लेंगे और डुअल मोटर है बाकी इसके स्पेयर पार्ट भी निकल के सेल हो सकता है। तो ये मामलात होते हैं गाड़ियाँ ये बिक जाती हैं, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं आता है इन कार्स में, रिपेयर करके सेल कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। साथ ही BMW खड़ी है इसको भी छोड़ते हैं, ये फिर से टेस्ला मॉडल एक्स से खड़ी हुई है, ठीक है एक मैंने वो दिखाई थी आपको उधर खड़ी हुई एक्सीडेंटल और एक ये है टेस्ला मॉडल एक्स, इसका डैमेज देखते हैं क्या है कितना है और किधर से है। और इसका डोर ऐसे खुलता है अभी भला नहीं, इसमें बैटरी जो है ना बिल्कुल डेड होनी है या क्या सीन है। तो ये इसका इंटीरियर है, एयरबैग इसके LCD दरमियान में बड़ी सारी जिसने टेस्ला की होती है वो लगी हुई है, खैर अभी डोर ओपन हो नहीं रहा तो अंदर से मैं ज़्यादा दिखाई नहीं रहा, एयरबैग वगैरह मोस्टली पॉप्ड हैं इसके, ठीक है। और यहाँ से क्या मामला आता है इसके, ओए हो हद ये अली, ये देखो ये सेट डैमेज है, ये रिपेयर होगा, इसका लाइट डलेगी, बम्पर न्यू डलेगा, साथ इसके निशान पेट्रोल है, ठीक है। इसका क्या सीन है कि ये देखो यहाँ से थोड़ी सी डैमेज है ही है, इस साइड से देखो इसकी क्या कंडीशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह वो 2L पे गाड़ी नहीं चलाते इस तरह चला रहे हो, गिर गई और रगड़ती गई हो, तो ये इसका ये सीन चल रहा है तो ऐसे लग रही है। और यहाँ पे सारे अभी तक स्टिल कर रहे हैं काम वगैरह, तो आगे चलते हैं आगे जाके देखते हैं कौन कौन सी कार्स हैं और उनके क्या मामला चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये मर्सिडीज़ है 350, ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले चैलेंजर दिखाते हैं क्योंकि मस्टैंग दिखाइए चैलेंजर दिखाना तो बनती है, चैलेंजर भी काफ़ी बुरे तरीके से डैमेज है 3.6 लीटर और बैक साइड से इसके क्या मामला चल रहे हैं। बैक साइड से मेरे ख्याल से डैमेज नहीं है, फ्रंट से लगी है जाके हिट हुई है, मोस्टली जब इन कार्स को जब हम रेस देते हैं ना तो तब जाके बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट होती है। बाय द वे इसको दिखाते दिखाते मुझे एक नज़र एक और गाड़ी पर पड़ी है और वो है ये टेस्ला, यार टेस्ला तो बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट होकर आई हुई है, चक्कर क्या है मुझे लगता है ऑटो पायलट पर लगा के जो ना सारे सो जाते हैं तो ये मामलात बनते हैं। ये ऐसे लग रहा है बुलेट लगी हो लेकिन ऐसा सीन नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ जिसमें हिट की होगी वो लगी होगी इसके ऊपर। और ये है इसकी बैक साइड से कंडीशन, क्या कमाल चल रहा है भाई काम है, एक्सीडेंट ही हो जा रही है टेस्ला दो ये तेरे अली। ये फ्रंट पे क्या मामलात हैं, फ्रंट से ये चेक कर लो, बाय द वे आप मुझे बताना इसके टेस्ट ड्राइव वगैरह भी करते हैं हम टेस्ला की। बाकी ये करोला खड़ी हुई है, डोज खड़ी हुई है, कैमरों भी दिखाई दें आपको, अब आ ही गए हैं तो कैमरों भी देख ही लो, कैमरों पीछे से लिटरली थोड़ी सी एक्सीडेंट है और कैमरो की वैसे इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है। रेंज रोवर, अच्छा रेंज रोवर बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रेंज रोवर्स हैं, एक ना आधी यार आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ अभी, ये दिखाते दिखाते फिर मेरी एक चीज़ पे नज़र पड़ी है और वो क्या चीज़ है, वो फिर टेस्ला है
अच्छा जी, ये फिर टेस्ला आ गई, टेस्ला मॉडल 3 है ये, और ये फ्रंट से डैमेज है, काफ़ी बैडली डैमेज हो रही है यार ये टेस्ला, क्योंकि ये स्पीड क्विक भी बहुत होती है यार, कहीं ऑटो पायलट का मसला तो नहीं, खुल जा सिम सिम, हुई गर्म है, काफ़ी हॉट हुई पड़ी है। और ये अभी पीछे से डैमेज नहीं, मोस्टली सारी टेस्ला जो है ना फ्रंट से डैमेज है, खुद ही ठोकी हुई है इनके ड्राइवर्स ने, या तो ऑटो पायलट पे लगी होंगी। इसके साथ ही मर्सिडीज एएमजी जो कि बैक साइड से तो ठीक लग रही है, फ्रंट से तो बिल्कुल ही ख़त्म है यार। हाँ ये है कि इसका जो बॉडी कहीं से मिल जाएगी तो जब ये चेसी के ऊपर बॉडी लगा सकते हैं, चेसी ठीक करने वाले ठीक कर लेंगे अगर चेसी ज़्यादा डैमेज होगा तो, ये मामलात हैं। कैमरो इज हेयर एज वेल, पोर्श, उसके बाद मजराड़ी, यानी कि हर टाइप की आप जो गाड़ी आप चाहिए आपको मिलेगी यहाँ से, वो पूरी लाइनअप है यहाँ पे। ये देखो ये भी पूरी लाइनअप है, तो ये कुछ मामला थे इनके। ये देखो ये भी सारी कार सी कार, हर जितने भी देख लो ना, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, जितने भी देख लो उतनी कम है। ये देख रहे हो, ये लाइनअप देख रहे हो, पूरी पूरी कार सी कार सब डैमेज। और एवरीवन, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर दो यार, कमेंट भी कर दो, इतनी गर्मी में धूप में बना रहा हूँ वीडियो आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।